हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किसिंग बूथ 3 की, जो कि किसिंग बूथ सीरीज की तीसरी और आखिरी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है freshmojoindia। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत पिछले पार्ट के एंड से होती है, जिसमें समर वेकेशन के लिए नोआ, रेचर, ली और एली एक रोड ट्रिप पर जाने निकलते हैं। और वहां एली काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, जिसमें उसे हार्वर्ड और बर्कली दोनों जगह पर एडमिशन मिल चुका होता है और उसे दोनों में से एक जगह को चूज करना होता है। और फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें वो लोग ट्रिप के दौरान बीच पर मजे करते हैं, वो लोग एक्वेरियम में जाते हैं और फिर सैन फ्रांसिस्को जाते हैं और वहां वो लोग एनिमल्स देखते हैं और फिर वहां से वो लोग काफी ज्यादा घूमकर एंजॉय करते हैं, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा आता है। और फिर वो लोग वापस घर आते हैं, जिसमें एली एक रेस्टोरेंट में जॉब शुरू कर देती है और वो कॉलेज चूज करने में कंफ्यूज होती है, जिसमें हार्वर्ड में वो नोआ के साथ रह सकती है जबकि ब्रुकलिन में ली जाने वाला होता है। और फिर एक दिन नोआ और ली घर पर होते हैं और तब नोआ उसे हार्वर्ड आने पर एक ही साथ रहेगी ये चीज़ बोलता है, जिसमें वो खुश होती है। और वहीं पर ली स्विमिंग पूल में कूदता है और पानी उड़ता है और फिर वहाँ रेचल ड्रिंक्स लेकर आती है और उसे पीकर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। और फिर रेचल और ली अपने प्लानिंग्स करते हैं, जिसमें वो लोग अलग अलग कॉलेज में जाने के बाद कैसे मिलेंगे ये प्लान करते हैं और उसमें दोनों खुश भी होते हैं। और फिर नोआ के माता पिता सब उसको लंच पर लेकर जाते हैं, तब वो लोग उनके समर वेकेशन में और क्या क्या चीज़ें करने वाले ये पूछते हैं। और तब ली बताता है कि वो बीच हाउस पर रहने जाने वाले हैं और वहीं पर ली की माँ बताती है कि वो लोग बीच हाउस को बेचने वाले हैं क्योंकि उसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ये ली की माँ बताती है। और वहीं पर सब लोग चौंक जाते हैं और उनके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं है, ये वो लोग बोलते हैं। और फिर एले को हार्वर्ड से फ़ोन आता है, तब वो बताती है कि उसे और टाइम चाहिए और वहीं पर उसे 2 दिन का वक्त मिलता है। और फिर उसे नोआ और ली में से किसी एक को चुनना होता है। कुछ देर के बाद उसके माता पिता और भाई के साथ खेल रही होती है और वहीं पर उसके पिता उसे बताते हैं कि वो लिंडा नाम की औरत को डेट कर रहे हैं, और जिसमें एली इस चीज़ से खुश हो जाती है। अगले दिन सब बीच हाउस पर जाते हैं, जिसमें वो लोग वहाँ की सफाई करने वाले होते हैं और वहाँ जाकर वो घर को देखते हैं, जिसमें उनकी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। और फिर वो लोग घर के अंदर घुसते हैं, जिसमें वहाँ उन लोगों के फोटोज़ भी होते हैं और वहाँ पर तीनों अपना सामान निकालते हैं। और वहीं पर रेचल एक लॉक निकाल देती है, तब ली बताता है कि वो लॉक से एली और वो उसे डायमंड समझकर बचपन में खेला करते थे। और फिर ली उसे रेचल के हाथ में पहनाता है। दूसरी तरफ एली उसके नोआ और ली की बचपन की फोटोज देखती है और वहीं पर नोआ और ली आते हैं और वो लोग बाहर आते हैं, जिसमें नोआ के पेरेंट्स मिलते हैं और वो लोग ली और एली को गेम रूम की गेम्स को पैक करने कहते हैं। और दोनों वो रूम में जाते हैं जिसमें उन लोगों के पास ढेर सारी गेम्स होती हैं और धीरे धीरे चीज़ें अलग करते हैं, जिसमें वो लोग खेलते खेलते ये काम करते हैं। और वहीं पर एली को याद आता है कि उसने एक बॉक्स छुपाया था और वो उसे निकालती है और उसमें से उसे एक लेटर मिलता है जो कि उनकी बीच बकेट लिस्ट थी जो कि उन्होंने बचपन में बनाई थी, और वो लोग उसे ख़त्म करने का डिसाइड करते हैं। और फिर सब बैठकर बातें करते हैं, जिसमें नोआ के घर वाले घर को बेचने की बात करते हैं। और वहीं पर ली और एली को एक आइडिया आता है, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि रोज रोज वहाँ पर आना भारी पड़ सकता है। और फिर ली बोलता है कि वो वहाँ पर रहेगा और हाउस बेचने में मदद करेगा और तब तक वो लोग सब चीज़ें संभाल लेंगे, और बाकी लोग भी उसके बाद मैं हाँ मिलाते हैं। और वहीं पर उसकी माँ मान जाती है और सब लोग खुश होते हैं, जिसमें उन लोगों के पास पूरा वैकेशन होता है। और वहीं पर एली भी डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है, और फिर वो ब्रेकली में फ़ोन करके वहाँ आने से मना कर देती है। और फिर वो नोआ से मिलती है और उसे बताती है कि वो हार्वर्ड आ रही है, जिसमें वो खुश हो जाता है और इस चीज़ से ली समझ जाता है और वो दुखी होकर वहाँ से निकल जाता है। तब एली उसे मनाने जाती है और वो गेम रूम में आती है, तब वो भड़का हुआ होता है और वहाँ वो लोग हमेशा बात करेंगे और मिलते रहेंगे, ये चीज़ एली बोलती है। और फिर वो लोग वैकेशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ये चीज़ डिसाइड करते हैं, जिसमें वहाँ ली थोड़ा सा दुखी होता है और वहाँ एली सोचती है कि ली को बुरा लगना जायज है। और वहीं पर उनकी बकेट लिस्ट उसे याद आती है और वो ली को बोलती है कि वो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और उन्हें अभी समर में उनकी बकेट लिस्ट को पूरी करनी चाहिए, जिसमें ली भी इस चीज़ के लिए मान जाता है, जिससे उनका यह आखिरी समर उनका बेस्ट समर बन सके। और फिर वो एली के लिए भी खुश होता है, जिसमें एली थोड़ी सी डरी हुई होती है।
और फिर एली अपने पिता को बताती है कि ये समर वो बीच हाउस पर गुजारने वाली है और उसके पिता उसे थोड़ी सी मदद करने कहते हैं और वो उसका प्रॉमिस करती है, जिसमें उसके पिता मान जाते हैं और वो हर हफ्ते उसके भाई को गेम के बाद पिक करने कहते हैं। दूसरे दिन सभी लोग घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ वो लोग अपना अपना रूम तैयार करते हैं, जिसमें नोआ और एली साथ में रहने वाले होते हैं। और रात को वो लोग खाना तैयार करते हैं और बीच पर खाते हैं, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और वहीं पर नोआ बताता है कि उसके दोस्त लोग वहाँ पर आने वाले हैं। कुछ देर के बाद पूरे का पूरा घर और बीच भरा हुआ दिखता है और वहीं पर एली की स्कूल फ्रेंड्स भी आती है और वो उनसे मिलती है। और वहाँ एस्टन आता है जो कि ब्रुकलिन में जाने वाला होता है और उसे देखकर ली खुश हो जाता है और दोनों बात करने निकल पड़ते हैं। और फिर पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं पर ली और एस्टन काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं और ये चीज एली को थोड़ी सी पसंद नहीं आती। और फिर पार्टी में रंग जमने लगता है और सब लोग खुश होते हैं। दूसरे दिन ली सोया हुआ होता है, तब एली उसे उठाती है और वो उसे बकेट लिस्ट में आगे क्या करना है ये डिसाइड करने कहती है, जिसमें उन लोगों को ढेर सारी चीजें करनी होती हैं और उन्होंने सब चीजों के लिए प्लान तैयार कर लिए होते हैं। और एक दिन उन्हें एक जगह से पानी से कूदना होता है और फिर काफी ज्यादा ठंडी ड्रिंक्स पीनी होती है और फिर उन्हें सुमो रेसलिंग करनी होती है और फिर वो लोग पैराग्लाइडिंग भी करते हैं और फिर वो लोग एक केक कॉम्पिटिशन में जाते हैं और एक दिन नोआ के कपड़े खींचते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे वो अपनी लिस्ट को खत्म करने लगते हैं, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा मजा आता है। और अंत में वो लोग एक जगह पर गाते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ उन्होंने 90% टास्क कर लिए होते हैं। और फिर ली और एली को काम में मदद करने जाता है और वहीं पर ली एली को ब्रुकलिन जाने के लिए सब चीजें सेट करेगी ये बोलती है और ली को यह आइडिया पसंद आता है। कुछ देर के बाद एली ऑर्डर लेने जाती है और वहीं पर उसे मार्को मिलता है। मार्को वहां पर अपनी फैमिली के साथ खाने आया होता है जो कि एली को पसंद आता है और फिर वो उसके लिए ऑर्डर लेती है। कुछ देर के बाद मार्को एली से मिलता है, जिसमें वो बताता है कि वो पास के वाटर किंगडम में लाइफ गार्ड का काम करता है और ये सुनकर एली खुश होती है और एली मार्को से मदद मांगती है। दूसरी तरफ नोआ को क्लोई का फोन आता है और वो बताती है कि वो वहां पर आने वाली है। तब नोआ उसे उसके साथ थोड़े दिन रहने कहता है और फिर वो उसे लेने आएगा ये बताता है। और रात को नोआ और एली राउंड पर जाते हैं और वहाँ नोआ एली को क्लोई के बारे में पूछता है, तब वो बताती है कि उसे ये चीज़ चलेगी। और फिर वो वाटर पार्क में आने कहती है और वहाँ एली मार्को उसे मिला था ये चीज़ बताती है और वो वाटर पार्क में बकेट लिस्ट को कंप्लीट करने में मदद करेगा ये चीज़ बोलती है। तब नोआ नाराज़ हो जाता है और वो बताता है कि एली ने उसे किस किया था और इस चीज़ से वो आज भी दुखी है। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और फिर दोनों क्लब में होते हैं। वहीं पर नोआ माफ़ी मांगता है और वो दूसरे दिन वाटर पार्क आएगा ये बोलता है। दूसरे दिन एली और ली नोआ को उस जगह पर कॉस्ट्यूम में आने कहते हैं, जिसमें वो वहाँ कॉस्ट्यूम में आने से मना कर देता है और वो वहाँ सिर्फ एली के लिए आ रहा है ये चीज़ बोलता है। तब ली वहाँ से निकल जाता है और फिर ली और एली बात करते हैं, जिसमें वहाँ एस्टन भी आता है और तब ली उसके साथ जाने निकलता है। और इस बार फिर से एली को थोड़ा सा बुरा लगता है। कुछ देर के बाद मार्को रेस्टोरेंट में आता है और वो एली को बताता है कि उसने सब चीज़ें कर ली है और फिर वो नोआ के बारे में पूछता है। तब एली बताती है कि नोआ वहाँ पर आने वाला है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करेगा। दूसरी तरफ नोआ जाकर क्लोई से मिलता है, जिसके पास खुद का बोट होता है जो कि नोआ को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। और वहीं पर क्लोई के माता पिता के लड़ने की आवाज आती है। तब क्लोई नोआ को इस वजह से वहां पर वो नहीं रहना चाहती ये बोलती है। और रेस्टोरेंट में शिफ्ट खत्म होने के बाद एली नोआ के पास जाने निकल रही होती है, तब उसे उसके पिता का फोन आता है और वो उसके भाई का ध्यान रखने कहते हैं। और फिर एली घर पे जाती है और वो अपने भाई से बात करती है और वो उसे बीच हाउस पर आने के लिए मना लेती है, जिसमें वो खुश भी होता है। और वहीं पर एली और लिंडा टकरा जाती हैं और फिर दोनों बात करते हैं, जिसमें लिंडा काफ़ी अच्छे से बात करती हैं लेकिन एली को वो खास पसंद नहीं आती है और वो उससे बाद में बात करेगी ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद नोआ के घर पर क्लोई के साथ गेम खेलते हुए एली नजर आती है, जिसमें क्लोई एली के गेम खेलने में तारीफ करती है। और वहीं पर नोआ अपने साले के साथ खेल रहा होता है और फिर एली क्लोई को उसके पिता और लिंडा के बारे में बताते हैं, जिसमें वो उसे खास पसंद नहीं होते और उसमें क्लोई इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने कहती है। और वहीं पर ली एस्टन और रेचल आते हैं और एली उन्हें देखकर चौंक जाती है। और वहीं पर ली बताता है कि आज उन्हें बकेट लिस्ट का 18वां टास्क करना था, जो कि एली भूल चुकी होती है और इस चीज़ से वो दुखी होता है, जिसमें ली एस्टन की तारीफ करता है और वहाँ एली उससे माफ़ी मांगती है। और फिर वो लोग अगले दिन के प्लान की बात करते हैं। दूसरे दिन सब वाटर पार्क में दिखते हैं, जिसमें सब वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं और वहाँ सब लोग आए होते हैं और वहीं पर नोआ और मार्को एक दूसरे पर नज़र रख रहे होते हैं। और फिर एली और ली गेम शुरू करने जाते हैं और इसके बारे में क्लोई और नोआ बात कर रहे होते हैं। और वहीं पर एली, ली और रेचल मारियो और प्रिंसेस के कॉस्ट्यूम में नज़र आते हैं। दूसरी तरफ से मार्को भी कॉस्ट्यूम में आता है और उसे देख
देखकर नोआ भड़क जाता है और वो भी रेस में जाएगा ये चीज बोलता है। और कुछ देर के बाद रेस शुरू होने वाली होती है जिसमें काफी सारे लोग हिस्सा ले रहे होते हैं और वहीं पर रेस शुरू होती है जिसमें सब लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ रेचर, एली और ली सबसे आगे होते हैं और किसी को वो लोग आगे नहीं आने देते और पीछे नोआ अपनी कार से मार्को को ठोक रहा होता है और वहाँ एली और ली सबके मुंह पर चीज़ें फेंक कर रेस में आगे निकल जाते हैं जिसमें पीछे की साइड में लड़ाई चल रही होती है और दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं जिसमें नोआ काफ़ी ज़ोर से मार्को को धक्का देता है और वहीं पर वो शॉर्टकट से आगे निकल जाता है और फिर वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और वहाँ नोआ भी आगे जाकर उसे टक्कर देता है और ये चीज एली को पता चलती है। तब वो नोआ से बात करने जाती है लेकिन नोआ और मार्को काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और वहां मार्को जीत जाता है और कुछ देर के बाद उसे ट्रॉफी दी जाती है और बाकी लोग वहां पर खुश होते हैं और वहीं पर मार्को नोआ के पास आकर उसकी तारीफ करता है। तब वो वहां से निकल जाता है और वहां नोआ एली के पास आती है। तब नोआ भड़का हुआ होता है और वो एली को बताता है कि मार्को आज भी उसे पसंद करता है लेकिन एली को ऐसा नहीं लगता और वहीं पर एली नाराज हो जाती है और वो मार्को के पास जाती है और फिर उसे थैंक्स बोलकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद ली और एली इस बारे में बात करते हैं जिसमें ली को भी लगता है कि नोआ सही था। दूसरी तरफ नोआ और क्लोई भी बात करते हैं जिसमें क्लोई नोआ को उस पर भरोसा रखने कहती हैं और फिर एली और ली गेम जोन में आते हैं और वहीं पर उनकी डांस मशीन बहुत ही जल्दी बेच दी जाएगी ये चीज़ मैसेज में लिखी हुई मिलती है और इस चीज़ के बारे में वो लोग रेस्टोरेंट में काम करते वक्त डिस्कस करते हैं और वहीं पर वो एक आखिरी डांस उस मशीन पर करेंगे ये डिसाइड करते हैं जिसमें एली थोड़ी सी श्योर नहीं होती लेकिन वो ये ज़रूर ट्राई करेगी ये बोलती है। और फिर रात को एली घर पर पहुँचती है और वहाँ नोआ ने स्पेशली डिनर तैयार किया होता है और उसमें वो माफ़ी भी मांगता है और उसे साथ रहने कहता है जिसमें एली बताती है कि वो ली के साथ एक टास्क कंप्लीट करने जाने वाली है और तब नोआ बताता है कि वो इन टास्क से परेशान हो चुका है और वहाँ एली बोलती है कि वो अब हार्वर्ड में नोआ के साथ ही रहेगी और अब उसे ये टाइम ली को देना चाहिए और तब नोआ को लगता है कि वो ली और एली को अलग कर रहा है और वहाँ एली उसे सॉरी बोलकर निकल जाती है। और फिर एक रेस्टोरेंट में ली और एली खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर रेचल पियानो बजाने वाले को बाहर भेज देती है और एली म्यूजिक शुरू करती है और रेस्टोरेंट में ली और एली नाचने लगते हैं और वहीं पर उनके दोस्त भी उठते हैं और वो भी नाचने लगते हैं और देखते ही देखते सब लोग नाचते हैं। कुछ देर के बाद डांस खत्म होता है और सब लोग बैठ जाते हैं और वहाँ सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वहाँ पर एली को नोआ की याद आती है और वो वहाँ से निकल जाती है जिसमें ली उसे ढूंढ रहा होता है और एली घर पर पहुँचती है तब तक नोआ सो चुका होता है और तब वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन एली अपने भाई को पिकअप करने जाती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तब वो घर आती है और वहाँ उसका भाई होता है। तब उसे लिंडा ने पिक किया ये चीज़ पता चलती है जिसमें एली भड़क जाती है और वहाँ वो सब काम अकेले नहीं कर पाएगी ये चीज़ लिंडा बताती है जिसमें एली वहाँ से भड़क कर निकल जाती है और वो रेस्टोरेंट में खाना भी गिरा देती है और वहीं पर उसे मार्को मिलता है। तब एली दुखी होती है और फिर दोनों बीच पर जाते हैं जिसमें एली सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाती ये चीज़ बोलती है और वहाँ मार्को उसे शिफ्ट के बाद मिलेगा और दोनों बात करेंगे ये बोलता है और फिर एली मार्को को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ नोआ और क्लोई बीच पर इस बारे में बात करते हैं जिसमें नोआ एली को छोड़ने का सोच रहा होता है। तब क्लोई उसे उसका ध्यान रखने कहती है और क्लोई दुखी होती है और वो बताती है कि उसके पेरेंट्स डाइवोर्स लेने वाले हैं और वहाँ नोआ उसे संभालता है। और रात को एली रेस्टोरेंट बंद कर निकलने वाली होती है तब वहीं पर नोआ आता है और म्यूजिक बजाता है और फिर वो एली के पास आता है और माफ़ी मांगता है और डांस के लिए पूछता है जिसमें एली हाँ बोलती है और दोनों डांस करते हैं और वहीं पर एली भी माफ़ी मांगती है और फिर दोनों किस करते हैं। और उसी वक्त बाहर मार्को आता है और वो ये देख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसी रात एली और नोआ काफ़ी ज़्यादा करीब भी आते हैं। दूसरे दिन लीग गेम खेल रहा होता है तब वहाँ एली आती है और उसकी मदद करती है और वो उसके और नोआ के बारे में बताती है और वहाँ से निकल जाती है। और ऊपर नोआ अपना सामान रख रहा होता है वहीं पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें एली का सिलेक्शन ब्रकली में हो चुका था ये चीज़ उसे पता चलती है। दूसरे दिन एली मार्को के लिए दुखी होती है और वो मार्को को फ़ोन करती है और माफ़ी मांगती है जिसमें मार्को उसे कभी भी मदद चाहिए तो उसके लिए वो तैयार है ये बोलता है और फिर दोनों की बात खत्म होती है। और उसके अगले दिन एक जगह पर बीच पार्टी होती है जिसमें सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और वहीं पर नोआ क्लोई से बात करता है जिसमें एली के पास ब्रकली जाने का लेटर था ये चीज़ वो बताता है और उसके लिए वो हार्वर्ड आ रही है ये चीज़ वो समझ जाता है। और वहीं पर एली के दोस्त आते हैं और फिर वहाँ पर मार्को भी आता है और उसे देख कर नोआ भड़क जाता है और फिर एली उसे एंजॉय करने कहती है। और फिर सब वॉलीबॉल खेलते हैं जिसमें मार्को और नोआ साथ में खेल रहे होते हैं और वहीं पर दोनों कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं।
और एक बार मौका देखकर नोआ मार्को के मुंह पर बॉल मारता है और फिर मार्को नोआ को गाली देता है। तब दोनों भड़क जाते हैं और वहाँ नोआ उसे बोलता है कि उसे पता है कि वो एली के पीछे है, और वहाँ मार्को भड़क जाता है और एक नोआ को पंच मारता है और फिर नोआ वहाँ से निकल जाता है। और फिर एली नोआ के पास आती है, तब नोआ बताता है कि मार्को बार बार उनके बीच में आ रहा है, और फिर नोआ वहाँ से अपनी बाइक में निकल जाता है। और वहाँ एली काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और फिर वो घर में जाती है, तब वहाँ मार्को उसके पास आकर माफ़ी मांगता है और वहाँ एली उस पर भड़क जाती है, और वहाँ मार्को बताता है कि वो एली को पसंद करता है, ये चीज़ सच है। तब एली उसे वहाँ से जाने कहती है और मार्को वहाँ से निकल जाता है, और ये सारी चीज़ें नोआ सुन लेता है। दूसरे दिन एली के घर पर सब मोनोपोली खेल रहे होते हैं, जिसमें लिंडा सबसे पहले खेलती है। तब एली पहले वो खेलेगी ये बोलती है, और वहाँ लिंडा को वो ज़बरदस्ती उसकी ज़िंदगी में घुस रही है ये चीज़ बोलती है, और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर उसके पिता उसके पास आते हैं और वो बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है, और उसके पिता बोलते हैं कि वो हमेशा उसके लिए काम करते रहे और एक बार उन्होंने सिर्फ अपने लिए सोचा तो ये चीज़ भी एली को पसंद नहीं आ रही, और वहाँ एली माफ़ी मांगती है और वहाँ उसके पिता नाराज़ होकर निकल जाते हैं। अगले दिन एली बीच हाउस पर सफाई कर रही होती है, तब वहाँ पर ली आता है और वो उसकी मदद करता है, और ली उसे बताता है कि उसके पिता उसे माफ़ कर देंगे और सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, और वहाँ वो लोग रात को गेम खेलने जाएंगे, ये चीज़ एली को वो बताता है। और फिर रेस्टोरेंट में वो काम कर रही होती है और वहीं पर उसे याद आता है कि नोआ काफ़ी दूर एक जगह पर मिलेगा, तब वो उस जगह पर पहुँच जाती है और वहीं पर उसे नोआ मिलता है। तब एली उसे बताती है कि वो मार्को के बारे में सच था, और वहाँ नोआ उसे बोलता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा झगड़ रहे हैं, और फिर वो बताता है कि उनका रिलेशनशिप इस तरह से ठीक से नहीं चल पाएगा, और फिर वो एली के साथ ब्रेकअप कर रहा है ये चीज़ बोलता है, जिसमें वो उसे ब्रुकली जाने कहता है, और वहाँ एली अपनी चीज़ें खुद डिसाइड करेगी ये बोलती है। और वहाँ पर नोआ बोलता है उनका प्यार सच्चा है, लेकिन प्यार सच्चा होना ही हमेशा काफ़ी नहीं होता, और वहाँ एली नोआ से ब्रेकअप करके रोते हुए निकल जाती है, और वो अपनी कार में काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और वहीं पर उसे याद आता है कि वो ली के साथ शाम को गेम जोन में जाने वाली होती है, तब वो वहाँ से भागती है और रात तक वो गेम जोन में पहुंचती है, लेकिन तब तक वहाँ से मशीन निकाल दिया गया होता है। और फिर एली जाकर ली से मिलती है और माफ़ी मांगती है, और वहाँ ली उसे बताता है कि वो सबको खुश नहीं रख सकती, और उसके लिए वो गेम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वहाँ एली बोलती है कि वो सबको खुश रखना चाहती है, लेकिन ली को ऐसा लगता है कि वो नोआ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। तब एली वहाँ से निकल जाती है और फिर वो घर पर जाती है, तब घर पर उसे सब खुश दिखते हैं, और वहाँ पर उसे मार्को का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकता ये चीज़ बोलता है, और फिर वो उससे माफ़ी मांगता है, और फिर एली दुखी होकर बीच हाउस पर आकर सो जाती है। दूसरे दिन वो उठती है, तब उसे क्लोई मिलती है, और फिर वो वहाँ से निकलने वाली होती है, और वो उसे बोलती है कि नोआ ने उसके बारे में सब चीज़ें बताती है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, और फिर एली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ये बोलकर क्लोई वहाँ से निकल जाती है, और उनकी बातें रेचल भी सुन लेती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर ली की माँ आती है और वो एली से बात करती है, और वो बताती है कि वो घर को गवर्नमेंट में बेच रही है, जिसमें वो लोग इस घर को तोड़कर वहाँ पर अपने हिसाब से छोटे छोटे घर बनाएंगे, और वहाँ एली ये सुनकर उदास हो जाती है, और उन्हें एली ली और नोआ के बारे में सब चीज़ें पता होती हैं, और फिर वो बात करती हैं जिसमें एली को हार्वर्ड क्यों जाना है ये चीज़ वो पूछती हैं, जिसमें एली को ने कुछ डिसाइड नहीं किया होता, और वहाँ जाकर वो ये चीज़ सोचने वाली है ये बोलती हैं। तब ली की माँ उसे बोलती है कि उसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उसे क्या करना है, और फिर उसे कॉलेज को चूज़ करना चाहिए, और फिर वो उसे संभालती है। दूसरी तरफ ली और रेचल मिलते हैं, और वहाँ रेचल उसे बताती है कि एली और नोआ का ब्रेकअप हो चुका है, और फिर वो बताती है कि वो लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अलग अलग कॉलेज में जाकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करता, और इस वजह से उन्हें भी अलग हो जाना चाहिए, और ये सुनकर ली दुखी होता है, और वहाँ रेचल उनकी तरह नहीं रह पाएगी ये बोलती है, और दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखते हैं। दूसरी तरफ एली जाकर अपने पिता से मिलती है और माफ़ी मांगती है, जिसमें वो हमेशा चीज़ें बिगाड़ देती है, और उसके पिता उसे माफ़ कर देते हैं और वो उससे नाराज़ नहीं है ये चीज़ बोलते हैं। और फिर एली जाकर लिंडा से मिलती है और उनसे भी माफ़ी मांगती है, जिसमें लिंडा भी उससे नाराज़ नहीं होती ये चीज़ बोलती है, और फिर एली वहाँ से निकल जाती है, और फिर एली अपना काम में लग जाती है। और एक दिन वो अपने घर पर आती है, जिसमें उसका भाई लिंडा के साथ खेल रहा होता है, और उसे देखकर वो खुश हो जाती है, और वो अकेले गेम्स भी खेलती हैं, और वहीं पर उसे एक आइडिया आता है, और वो इसके बारे में पता लगाने के लिए अपना लैपटॉप देखती है, और इसी के साथ समर खत्म हो जाता है।
और फिर स्कूल की फेयरवेल पार्टी होती है और वहीं पर एली जाती है और नोआ को ढूंढ रही होती है और वहीं पर वो नहीं दिखता और वहीं पर उसे मार्को मिलता है और वो नोआ नहीं है ये चीज़ बताता है। तब एली बताती है कि वो और नोआ अब अलग हो चुके हैं और फिर मार्को बताता है कि वो लॉस एंजेलिस में म्यूजिक सीखने जा रहा है और फिर मार्को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ एली अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती है और फिर वो सबको बाय बोलती है और अंत में जाकर वो रेचल से मिलती है और वहीं पर उसे ली दिखता है। तब वो उसके पास जाती है और वो उसे एक लेटर देती है जिसमें उसे ब्रुकलिन में एडमिशन मिल चुका था, ये चीज़ वो बताती है। और वहाँ ली इस चीज़ से नाराज़ होता था, ये वो बोलती है। और फिर एली उससे माफ़ी मांगती है जिसमें वो दोनों भाइयों को खुश रखना चाहती थी ये बोलती है, जिसमें अब वो खुद ही खुश नहीं है ये उसका मानना होता है। तब ली उसे ब्रुकलिन आने कहता है और वहाँ एली बताती है कि उसने खुद के लिए कुछ सोचा है और फिर वो उसे गले मिलती है और माफ़ी मांगती है और वहाँ से वो निकल जाती है। दूसरे दिन एली जाकर एक औरत से मिलती है जो कि सेकंड पार्ट में उसके डांस कॉम्पिटिशन की ऑर्गेनाइजर थी और एली उससे बात करती है। दूसरी तरफ ली नोआ से मिलता है और वो बताता है कि नोआ ने एली से ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि वो ली के साथ ब्रुकलिन चली जाए और वहाँ नोआ इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता ये बोलता है और फिर वो कहाँ जा रही है ये चीज़ भी पूछता है। तब ली बताता है कि वो यहीं पर गेमिंग डिज़ाइन करना सीखने वाली है और इससे नोआ खुश होता है और ली उसे बताता है कि एली उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और वहीं पर नोआ भी थोड़ा सा दुखी दिखता है। कुछ दिनों के बाद एली अपना सामान बीच हाउस से लेकर जा रही होती है जिसमें वहाँ से उसकी बचपन की काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं और वो सब चीज़ें उसे याद आती हैं और वहाँ पर ली और नोआ के साथ वो हमेशा समर गुजारा करती थी और फिर वहाँ के वो फोटोज़ देखती हैं जिसमें वहाँ नोआ ली और उसकी बचपन की तस्वीर दिखती है और उसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है और फिर वो नोआ को एक आखिरी चीज़ के लिए मैसेज करती है। दूसरे दिन नोआ की माँ को एक गिफ्ट मिलता है जो कि एली ने उसे भेजा होता है और वो इसलिए क्योंकि उनके चलते ही एली को समझ में आ गया होता है कि उसे आगे क्या करना है और फिर ली की माँ गिफ्ट देखती है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अगले दिन ली के घर से कॉलेज जाने के लिए वो निकलने वाला होता है, तब वहाँ पर एली आकर उसे मिलती है और वो उसे मिस करेगी ये बोलती है और वो लोग हमेशा एक दूसरे के टच में रहेगी ये बोलती है, जिसमें दोनों आखिरी बार मिलते हैं और ली वहाँ से निकल जाता है और एली उसे बाय बोलती है। और फिर ली फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए डोर लॉक को निकालकर कार के ऊपर लगाता है और फिर वो वहाँ से खुश होकर निकल जाता है। अगले दिन ली की माँ गवर्नमेंट ऑफिस में बीच हाउस को बेचने वाली होती है और वहीं पर उसे एली की बातें याद आती हैं और उसे एली का गिफ्ट दिखता है जो कि एक फ्रेम होती है जिसमें नोआ ली और एली की फ़ोटो होती है और वहाँ एली की माँ घर बेचने से मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। और फिर एली को याद आता है कि उसने ली और नोआ के साथ फ़ोटो निकाला था और वहाँ वो नोआ से मिलती है जिसमें नोआ उसके गेम डेवलपर कोर्स से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहाँ नोआ उसकी तारीफ़ करता है और फिर वो ब्रेकअप के लिए माफ़ी भी मांगता है और फिर दोनों गले मिलते हैं और नोआ वहाँ से निकल जाता है और एली दुखी दिखती है लेकिन उसने सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया होता है। और फिर वो घर पर आती है जिसमें उसे उसका डांस मशीन मिलता है जो कि ली ने उसके लिए भेज दिया होता है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरे दिन एली का इंटरव्यू होता है जिसमें वो लोग उसे गेम रिलेटेड आइडियाज़ पूछते हैं और वहीं पर वो अपने आइडियाज़ बताती हैं जिसमें वो काफ़ी बड़ी बड़ी गेम्स के आइडियाज़ बताती हैं और उससे वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो ली को फ़ोन करती है और वो सिलेक्ट हो गई है ये बताती है, जिसमें ली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर एली उसे उसके इंटरव्यू के बारे में बताती है। दूसरे दिन एली के पिता घर पर आते हैं जिसमें वो डांस मशीन पर एली और उसके भाई को साथ में डांस करते हुए देखते हैं और इस चीज़ से वो खुश हो जाते हैं। और फिर कहानी 6 साल के बाद की दिखाई जाती है जिसमें एली जाकर ली और रेचल से मिलती है और वो दोनों फिर से मिल चुके होते हैं और तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर ली अपनी पढ़ाई करके फिर से वहाँ पर रहने आ चुका होता है और फिर तीनों वहाँ पर घूम रहे होते हैं। वहीं पर उन्हें किसिंग बूथ दिखता है और उसे देखकर उनकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वहीं पर नोआ आकर एली से मिलता है और वहाँ रेचल और ली भी आते हैं जिसमें वो लोग बहुत ही जल्दी शादी करने वाले ये चीज़ बताते हैं और फिर दोनों वहाँ पर एली और नोआ को अकेले छोड़कर निकल जाते हैं, जिसमें एली और नोआ कई सालों के बाद मिले होते हैं जिसमें नोआ काफ़ी ज़्यादा काम करता है ये चीज़ बताता है और उसे 2 बड़ी कंपनी से ऑफ़र मिले होते हैं और वो सही चीज़ डिसाइड करेगा ये चीज़ एली बताती है। और एली गेम डिज़ाइंस करती है ये चीज़ वो बोलती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और वहीं पर नोआ को याद आता है कि एली काफ़ी ख़राब बाइक चलाया करती थी, तब एली बोलती है कि अब वो काफ़ी अच्छे से बाइक चलाती है
और वहीं पर नोआ उसे उसके साथ बाइक राइड पर जाने कहता है और फिर नोआ वहाँ से निकलता है और थोड़े दूर जाने पर वो मुड़कर एली को देखता है और एली भी उसे ही देख रही होती है और फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। कुछ दिनों के बाद एली और नोआ बाइक पर घूमते हुए नजर आते हैं जिसमें ये फिल्म एक कन्फ्यूजिंग एंड के साथ खत्म होती है जिसमें नोआ और एली साथ में रहे कि नहीं ये चीज़ बताई नहीं जाती है और फ्यूचर में नेटफ्लिक्स चाहे तो इस पर एक पार्ट और बना सकता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा कम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।